भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव समिति के द्वारा दुर्ग के गंज मंडी में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि जैन समाज के हजारों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कई दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रभात फेरी, जुलूस एवं कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान महावीर के अहिंसा की राह पर चलने के उपदेश को सारे विश्व पर फैलाने की बात कही। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। सकल जैन समाज के द्वारा दुर्ग में आज मंडी प्रांगण में बहुत सुंदर भगवान महावीर जी के जन्म स्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हजारों श्रद्धालु उपस्थित हुए। बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन हुआ है। भगवान महावीर भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा का संदेश पूरे दुनिया को दिया है और जितने भी हमारे माध्यम से ही पूरे समाज में शांति व्यवस्था की जा सकती है। सर्वाधिक चर्चित मैं सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के 2022वें जन कल्याणक महोत्सव की ऐसे बच्चे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लगातार 7 दिवस तक बहुत ही धूमधाम से भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव मनाया गया। आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी हम सबको यहाँ आशीर्वाद देने महावीर जन कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में हमारे विधायक जी थे, राजेंद्र साहू जी थे, वर्मा जी थे और सभी मुख्य अतिथि के उपस्थिति में आज बहुत ही आनंद भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन सम्पन्न हुआ। जिए और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, क्षमा वीरस्य भूषणम्। भगवान महावीर के दिव्य संदेशों को हम लोग अगर अपने जीवन में अक्षरशः पालन। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के द्वारा 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक यह आयोजन चल रहा है और उसका आज जो है अंतिम चरण में हम इस कार्यक्रम की ओर हैं। इन 7 दिनों में सेवा के विभिन्न कार्यक्रम इस दुर्ग शहर के अंदर में हुए। सामाजिक सेवा का कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, सभी प्रकार के आयोजन जो है दुर्ग नगर के अंदर में हुए हैं। आज भव्य शोभा यात्रा निकली जो सदर मंदिर से निकली, दिगंबर मंदिर और स्वतंबर मंदिर के मूर्तियों को यहाँ लाया गया मारवाड़ी स्कूल और सरस्वती विद्यालय में और वहाँ से फिर भव्य शोभा यात्रा निकली जो शोभा यात्रा होटल मान, पचरीपारा, स्टेशन रोड, जिला भाजपा कार्यालय, सनिचरी बाजार होते हुए सदर मंदिर में समापन हुआ और बहुत बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल थे और ये इस बार का रिकॉर्ड रहा कि अधिक बहुत ज़्यादा संख्या में जैन समाज के लोग इस रैली में शोभा यात्रा में शामिल थे।